चैप्टर सिक्स है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन चैप्टर सिक्स है, इसमें डिक्लेरेटरी डिक्रीज उसके बारे में है ये। अब सेक्शन थर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस आर राइट, उसका जो हेडिंग दिया हुआ है सेक्शन 34 का वो ये है, कोई भी व्यक्ति सिविल सूट फाइल करे, एक सूट फाइल कर सकता है। कब फाइल कर सकता है? यदि उसके किसी लीगल कैरेक्टर को आर टू एनी राइट टू एनी प्रॉपर्टी या उसकी संपत्ति के किसी अधिकार को किसी व्यक्ति के द्वारा डिनाई किया जा रहा आ या डिनाई करने में उसका इंटरेस्ट हो, उसको इंकार करने में उसकी इंटरेस्ट हो, तो वो ये सूट फाइल कर सकता है इस टाइटल सेल्फ कैरेक्टर, एंड द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन मेक देयर इन डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड एंड प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। तो मतलब ये कि यदि किसी व्यक्ति का कोई, अब इसमें दो चीजों के लिए सूट फाइल किया जा सकता है, एक तो पहले लीगल कैरेक्टर यदि कोई है, लीगल कैरेक्टर इसमें है, आप देखिए एक तो संपत्ति के संबंध में आप दावा दायर कर सकते हैं, या अपना कोई लीगल आपका कैरेक्टर है उसके संबंध में भी दावा दायर किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ये दावा दायर किया कर सकता है कि हम फलाने व्यक्ति के पुत्र हैं, ये दावा दायर किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है भाई हम ये डिक्लेयर किया जाए, या कोई ये व्यक्ति दावा दायर कर सकता है कि फलाना व्यक्ति हमारा ये इस तरह का ये पुत्र है, ये पुत्री है, या कुछ भी है, ऐसा एक लीगल कैरेक्टर। इसी में ट्रस्टी आ जाएगा कि ऐसा ऐसा व्यक्ति ये कोई दावा कर सकता है कि भाई हम इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, ऐसा ये डिक्लेयर किया जाए, ऐसा एक लीगल। पहले ये नौकरी के संबंध में भी था, अब वो नौकरियों के संबंध में चूंकि स्टेट ट्रिब्यूनल बना दिए गए, सेंट्रल ट्रिब्यूनल बना दिए गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लग गया, स्टेट ट्रिब्यूनल, यदि मध्य प्रदेश में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन वो सारे अधिकार अब हाई कोर्ट को दे दिए गए। तो यदि किसी व्यक्ति का कोई लीगल कैरेक्टर है, यदि कोई ऐसा विधिक अधिकार है और उस विधिक अधिकार को डिनाई किया जा रहा है, तो उसके संबंध में दावा दायर किया जा सकता है। इसके सारे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को एक पद प्राप्त है और उस पद को डिनाई किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति दावा दायर कर सकता है कि हम इस पद के हकदार हैं, ये व्यक्ति हमारे पद को डिनाई कर रहे हैं, इसलिए वो हमको पद प्राप्त होना चाहिए, ऐसा ऐसा ये किया जा सकता है, हो सकता है। अब इसमें महंत भी आ जाते हैं, ऐसे कई सूट दायर भी हुए, चले भी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, लोगों ने कहा कि ये पीठ है, ये गद्दी है, इसके हकदार हम हैं, ऐसा ये किया जाना चाहिए, तो ऐसा ऐसा हो है, ये इस तरह का होता है ये। तो इस तरह से ये बात आती है ये कि ऐसा कोई यदि पद भी है जिसके साथ जो जो एक लीगल कैरेक्टर की श्रेणी में आएगा, उसके लिए भी दावा दायर किया जा सकता है, ठीक। अब दूसरा आएगा तो अब लीगल कैरेक्टर की इसमें बड़ी वाइड डिफिनेशन है, ये किसी को भी ये हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार का कोई पद हो और उस पद को कोई डिनाई कर रहा है कि हाँ आप इसे हकदार नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक रिलेशन के संबंध भी हो सकता है, इसके संबंध में मैं देख रहा था तो जिसे एक एक ने ये कहा कि भाई हमारी ये लीगली वेडेड वाइफ नहीं है, ये ऐसा एक ने सिविल सूट फाइल किया कि हमारी ये हमने हमारी इससे इसमें मैरिज, ऐसा भी हो सकता है। यदि कोई मान लीजिए महिला करती है, महिला कहती है कि भाई हम इनके इनसे हमने शादी किया है, हमने विवाह किया है, और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं हमारा इनके साथ इसके साथ कोई विवाह नहीं हुआ है, विवाह हुआ ही नहीं है, तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें भेद है। यदि वो ये कहता है कि विवाह हुआ ही नहीं है, तो वो डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा कि भाई हमारा विवाह हुआ है, लेकिन यदि वो ये कहता है कि नहीं विवाह तो हुआ है लेकिन वो विवाह जो है वो वॉइड है, इलीगल है, मतलब वो शून्य है, तो उसके लिए फिर उसको हिंदू मैरिज एक्ट में जाना पड़ेगा, सेक्शन 11 वो उसका दूसरा हो जाएगा ये। लेकिन यदि कहता है कि नहीं हुआ ही नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि किस तरह से ऐसे बहुत सारे सूट ये फाइल किए जा सकते हैं अपने लीगल करेक्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये फाइल किए जाते हैं, लोग कहते हैं, चाहे मठ के मठाधीश हो, पुजारी हो, ट्रस्टी हो,
आपसी जो संबंध है उनको हो, ऐसा ऐसा ये अपना एक करेक्टर इसको एक्सप्लेन बताने के लिए किया जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है वो है प्रॉपर्टी के संबंध में। यदि किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की संपत्ति में वो ये उसको डिनाई करता है कि नहीं ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति हमारी, वो इस तरह से ऐसा क्लब आ जाता है किसी प्रकार का, उसमें कोई एक एक ऐसा आ जाता है कि उसमें उसके ऊपर एक कोई आवरण आ जाता है, कोई उसको डिनाई करता है, तो वो व्यक्ति इस तरह से दावा दायर कर सकता है, कह सकता है कि भाई ये संपत्ति हमारी है, आई हमारी संपत्ति में हमको जो अधिकार प्राप्त है उसको जो ये फलाने व्यक्ति डिनाई कर रहे हैं तो वो गलत है, तो हमको डिक्लेयर किया जाए कि आई एम द ओनर ऑफ दिस, ऐसा ऐसा ये कहा जा सकता है, ऐसा ये दावा दायर किया जाता है। आमतौर पर ऐसा रोज दावे होते हैं, आप यहाँ कोर्ट जाइए तो मोर देन 50% दावे तो बस इसी तरह से हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट रहते हैं, जब प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट रहेंगे तो उसमें इस तरह का एक ऐसा उसमें उसके ऊपर आवरण आ जाता है, लोग डिनाई करते हैं, सब ये होता है। तो प्रमुख रूप से इस तरह की ये दावे दायर होती है। ये बहुत ऐसा होता है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी हमारी है, हमको मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे के नाम नामांतरण हो गया, उसका नाम उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गया, तो हम ये कह सकते हैं भाई इसका नाम जो आया है ये गलत आया है, प्रॉपर्टी तो हमारी है। या कोई प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में हमको बाधा पहुंचाता है, कहता है कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है बल्कि उसकी है, तो इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करने देगा, उसके उसके बारे में भी हम कह सकते हैं, उसके दावा दायर कर सकते। मतलब जो कोई भी हमारी जो संपत्ति है उसमें हमारा जो एक कानूनी अधिकार है, यदि कोई उसको डिनाई करता है तो उसके संबंध में दावा दायर किया जाता है। मान लीजिए ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसे होता है कि किसी एक व्यक्ति को उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसको हिस्सा नहीं मिला। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति के चार लड़के हैं, और चार लड़कों को यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो चारों लड़कों को उसमें बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन एक को नहीं मिला या एक को कम मिला, तो वो ये कह सकता है, इस तरह का दावा वो दायर कर सकता है कि भाई हमको भी 1/4 मिलना चाहिए, और हमको जो कम मिला हुआ है ये, ऐसा वो कह सकता है। इस प्रकार ऐसा है, ऐसे दावे दायर होते हैं, इस प्रकार से ऐसा एक अधिकार अपना जो भी लीगल राइट है उसको इन्फोर्स करने के लिए एक डिक्लेरेशन के लिए मान लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके लिए ये किया जा सकता है। पहले पुराने जमाने जैसा मैंने बताया कि सर्विस मैटर में भी किया जा सकता है, प्राइवेट जो सर्विस है उसको भी है, लेकिन अब आजकल वो प्राइवेट जो सर्विस मैटर है उनको कोर्ट इंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि कोई प्राइवेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको इन्फोर्स करने का कोई प्रावधान नहीं है, कि ये उसके लिए दूसरा फोरम हो गया, सब कुछ अलग हो गया उसमें नहीं। तो प्रॉपर्टी के संबंध में ही है ज्यादा दावा है, कोई भी उसमें किसी प्रकार की बाधा उसके लिए हम दावा दायर कर सकते, ऐसा है। अब इसमें देखिए, क्योंकि आज ये सेक्शन कंप्लीट करना है, इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है वो दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति सूट फाइल करता है, वो इस तरह से दावा करता है कि वो दूसरी और भी रिलीफ उसके साथ मांगे, उसके और भी कोई सहायता मांगे, ये ऐसा आवश्यक नहीं है, इस प्रकार से है ये। लेकिन आम तौर पर आप देखिए कि वो सहायता मांगी जानी चाहिए, इसलिए कि उसमें एक प्रोविजो जो जुड़ा हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजो। एक तो पहली चीज ये है कि ये जो डिक्री है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, डिक्शनरी है, ये न्यायालय के स्वविवेक पर आधारित है, एज ऑफ राइट नहीं आप क्लेम कर सकते। यदि अदालत चाहेगी तो आपको डिक्री देगी, आप डिक्री करेगी, यदि नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, तो इस तरह से है ये। लेकिन इसमें जो प्रोविजो है, दैट प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। अब उसमें एक ये राइडर है कि यदि किसी व्यक्ति को
एक कोई और सहायता डिक्लेरेटरी डिक्री के साथ मांगनी चाहिए थी और उसको मांगा जाना आवश्यक है लेकिन उसने नहीं मांगा, तो ऐसी स्थिति में उसका वो सूट उसको डिक्लेरेटरी डिक्री की सहायता नहीं मिलेगी। अब इसमें बड़ा बड़ा रहता है, सपोज कीजिए जैसे ये एक ये एस्टैब्लिश लॉ है इस संबंध में। लॉ क्या है? लॉ ये है कि यदि हम डिक्लेरेटरी डिक्री किसी प्रॉपर्टी के संबंध में डिक्लेरेटरी डिक्री की हम कोई चाहते हैं, स्वत्व घोषणा की डिक्री हम चाहते हैं, तो उसमें हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम ये साबित करें कि हम उस संपत्ति के कब्जे में हैं। यदि संपत्ति के कब्जे में हम नहीं हैं तो हमको वो स्वत्व घोषणा की डिक्री नहीं मिलेगी, वो हमारे लिए ये जरूरी है। तो यदि हम स्वत्व घोषणा की डिक्री चाहते हैं लेकिन हम उस जमीन के कब्जे में नहीं हैं, अब पजेशन की मतलब कब्जे की हमने सहायता नहीं मांगी है, तो हमारा दावा फेल हो जाएगा। यदि अदालत ये पाती है कि हम वास्तव में कब्जे में है ही नहीं उस प्रॉपर्टी के, तो दावा हमारा खारिज हो जाएगा, फिर हम नहीं कर सकते हैं उसको, हम बिक्री हमको नहीं मिलेगी। और इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति उसमें बाधा पहुंचा रहा है और उसको कायदे से ये चाहिए कि वो उसको इंजंक्ट किया जाए, मतलब उसको उसके खिलाफ ऐसी ऐसी कार्यवाही ये किया जाए कि उसमें बाधा ना पहुंचाए, ऐसा यदि वो करता है, और हमने इंजंक्शन की कोई रिलीफ नहीं मांगी, केवल डिक्लेरेशन डिक्री मांगी कि डिक्लेयर कर दिया जाए, और ये लगता है उसमें ये आता है कि अदालत ये पाती है कि नहीं इसमें इंजंक्शन की रिलीफ भी मांगी जानी चाहिए, तो फिर इस आधार पर भी फेल हो जाएगा, दावा फेल हो जाएगा। क्योंकि देखिए है क्या इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डिक्लेरेटरी डिक्री का कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। आप इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपको कोई एक स्वत्व घोषणा की डिक्री मिल गई, आप यदि ये चाहें कि वो डिक्री को आप अदालत से किसी प्रकार से उसका इजराय कर सकें, उसका कोई एग्जीक्यूशन हो सके, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, वो उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए ऐसी रिलीफ मांगी जानी चाहिए कि जिसके माध्यम से हम वो वास्तव में जो हमको स्वत्व घोषणा की डिक्री मिली हुई है तो उसको हम इन्फोर्स करा सकें। इसलिए आमतौर पर इंजंक्शन की मतलब वो जो निषेधाज्ञा की डिग्री है तो उसकी मांग की जाती है कि हमको निषेधाज्ञा मिले, क्योंकि निषेधाज्ञा की सहायता की कि आप इजराय कर सकते हैं। यदि आपको एक संपत्ति के संबंध में आपको एक डिक्लेरेशन मिला हुआ है और आपको इंजंक्शन भी मिला हुआ है, आपको आपको एक इस तरह से निषेधाज्ञा भी मिली है कि आपके कब्जे में किसी प्रकार का जो प्रतिवादी है वो इंटरफेयर ना करे, किसी प्रकार से उसमें कोई अवरोध न उत्पन्न करे, अब वो करता है तो आप इजराय दायर कर सकते हैं। इजराय जब आप दायर करेंगे, ये आप साबित करते हैं कि अब वो है ऊपर इसको अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, तो अदालत उसको सिविल जेल भी भेज सकती है, उसकी संपत्ति कुर्क कर सकती है। उसके लिए आर्डर 21 में उसमें से दिया हुआ है, सब उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। तो इसलिए अकेले डिक्लेरेटरी डिक्री जो है तो बहुत ही रेयर केस में मांगी जानी चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन। उसके साथ कोई ना कोई वो जरूर जो कॉन्सिक्वेंसर रिलीफ है उसके साथ कोई ना कोई रिलीफ जरूर जोड़ देनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसेज हो सकते हैं कि जिसमें डिक्लेरेटरी डिक्री की के अलावा दूसरी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सपोज कीजिए हमको एक प्रॉपर्टी के संबंध में हमको सिविल सूट फाइल करना है, अब वो सिविल जो प्रॉपर्टी है तो वो हमारे कब्जे में नहीं है, मतलब वो प्रॉपर्टी है लेकिन वो प्रॉपर्टी टेनेंट के कब्जे में है, किराएदार के कब्जे में, हमारे कब्जे में नहीं है। लेकिन दूसरा आदमी ये कह रहा है कि नहीं इस प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, तो कब्जा तो ना हमारा है ना जो प्रतिवादी है उसका कब्जा है, इसलिए कब्जा नहीं है, तो इसलिए कब्जे की रिलीफ मांगने की आवश्यकता नहीं, इंजंक्शन भी मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि भाई वो उसमें कोई आपत्ति तो करी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वास्तव में किराएदार के कब्जे में, केवल किराए का डिस्प्यूट है ये। इसलिए तो ऐसे मामलों में हम बिना किसी जो है अनुसांगिक सहायता के, कॉन्सिक्वेंसर रिलीफ के बिना सूट फाइल कर सकते हैं, ऐसा ये हो सकता है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं उदाहरण जिनमें किसी
डिक्लेरेटरी डिक्री के साथ में, स्वत्व घोषणा की डिक्री के साथ में कोई किसी अनुसांगिक सहायता नहीं है, लेकिन एज ए प्रिकॉशन मैं एक वकील की हैसियत से, चूंकि यहाँ तो सब वकील ही है, तो मैं सबसे यही कहता हूं कि केवल बेयर बेयर मतलब अकेले स्वत्व घोषणा का दावा मत दायर कीजिए, उसके साथ कुछ नहीं तो इंजंक्शन का ही मतलब निषेधाज्ञा की ही एक सहायता जरूर मांग लीजिए। इसलिए यदि आप ऐसा मांगेंगे और कभी आपकी जो संपत्ति है उसमें टाइटल उसमें आपका जो उसकी डिग्री मिली उसको डिनाई किया जा रहा है, तो फिर आप वो जो निषेधाज्ञा की डिग्री आपको मिली हुई है तो उसकी इजराए आप दायर करके और प्रतिवादी को आप परेशान कर सकते हैं जो जो है, या ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। अब आप देखिए बहुत सारी ये बातें ही तो सब है ही है, लेकिन एक इसमें और भी बात है कि अदालत ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट के कई केसला हैं उनको मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी बहुत उसकी आवश्यकता है, अभी पहले उसको ये बता दें। कोर्ट का ऐसा कहना है कि यदि किसी ने कोई अनुसांगिक सहायता कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ किसी ने नहीं मांगी, ऐसा मांगा जाना आवश्यक है, तो अदालत की ये ड्यूटी है कि वो उसको मौका दे, वादी को मौका दे कि वो दावे में संशोधन कर सके और दावे में और उसको अनुसांगिक सहायता की संबंध में जो नेसेसरी अमेंडमेंट है वो कर सके या जिससे वो मांगी जा सके, ऐसा करना आवश्यक है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आपने केवल डिक्लेरेटरी डिग्री के लिए आपने केवल ये सूट फाइल किया, अब फिर यदि आप ये सोचें कि अदालत स्वयं ये आपसे कहेगी कि अच्छा आप अपने दावे में संशोधन करके इसको आप कब्जे की सहायता भी मांग लीजिए या निषेधाज्ञा की सहायता भी मांग लीजिए, तो कोर्ट ये करने वाली नहीं। केवल कोर्ट ये करेगी कि जब आप ऐसा करेंगे तो कोर्ट आपका जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन है वो अलाउ कर देगी। मतलब उसका ये है यदि आप ये चाह रहे हैं इस तरह से ऐसा कुछ हो जाए कि भाई हम अमेंडमेंट करके और जो हमारा ये दावे का एक जो डिफेक्ट है इसको हम दूर कर दें, तो उसके लिए वो अलाउ कर सकती है, ऐसा केवल नहीं है। अच्छा अब इसमें क्या है कि देखिए काज ऑफ एक्शन इसका कब एराइज होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कब उसकी क्या लिमिटेशन है, ये कितना है, समय ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, मैं क्योंकि सवाल भी लेने हैं। हाँ, सवाल तो चलिए, तो अब उसमें काज ऑफ एक्शन जब एराइज हो और उसके विद इन 3 ईयर जो आर्टिकल 58 है लिमिटेशन एक्ट का, तो वो ये कहता है कि जब इसके लिए काज ऑफ एक्शन वाद कारण जब इसके लिए उत्पन्न हो, मतलब जिस जब आपकी जो टाइटल है आपका जो स्वत्व है किसी प्रॉपर्टी का या किसी लीगल करेक्टर का, जब उसको डिनाई किया गया हो, जब उसको उसके संबंध में आपका कोई किसी प्रकार का कोई क्लाउड आया हो, तो उसके 3 साल के भीतर आपको दावा दायर करना चाहिए। सेक्शन 58 ये आर्टिकल 58 लिमिटेशन एक्ट ये कहता है ऐसा करना चाहिए, ये है। तो इसलिए उसके लिए काज ऑफ एक्शन के लिए उसके के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी समय ये कह सकते हैं कि भाई इसने ये थ्रेटन किया, इसने कहा कि नहीं ये संपत्ति आपकी नहीं है हमारी है कुछ है, या उसने कहा कि नहीं आप इस पद के हकदार नहीं हैं, आप हम ये कर देंगे, इस तरह की ऐसी बहुत सारी ये बातें आ सकती हैं, इस तरह से हो सकता है ये। तो जब आप उसको काज ऑफ एक्शन आप बताएं, एक आपको स्पष्ट काज ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, आप उसके 3 साल के भीतर और आपको दावा दायर करना, लेकिन अब उसमें एक दूसरा राइडर ये है कि यदि आपने उसके साथ कब्जे की भी सहायता आपने मांगी, कोच कीजिए कि आपने कब्जे की भी सहायता मांगी, तब वो विद इन 12 ईयर्स 10 साल तक के भीतर आप दावा दायर कर सकते हैं। फिर क्या है कि आर्टिकल 58 लागू नहीं होगा बल्कि 65 लागू होगा, है ना, उसमें आर्टिकल जो पजेशन के लिए है, क्योंकि जब फिर मेन रिलीफ पजेशन हो जाएगी तो पजेशन के लिए कब्जे की सहायता के लिए जो वो बताया गया है जितना बताया गया है वो आपको वो लिमिटेशन आपको मिलेगा, वो 12 साल उसका लिमिटेशन है कि 12 साल के भीतर आपको दावा दायर करना चाहिए, ऐसा ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये हो जाएगा काज ऑफ एक्शन, ये हो गया।
अच्छा फिर क्या है कोर्ट फी, क्या है तो कोर्ट फी के बारे में तो अब उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। अब फिक्स्ड कोर्ट फी है, इसमें इसमें आमतौर पर लोग ये गफलत करते हैं, वो मैं ये कहता हूँ, कोर्ट फी आमतौर इसके लिए डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए, स्वत्व घोषणा की डिक्री के लिए फिक्स कोर्ट फी मध्य प्रदेश में तो 500 रुपये है सिविल जज की, इसके लिए फिर ज़्यादा वैल्यूएशन हो तो उसके लिए 1000 है, कोर्ट फी फिक्स्ड है वो, और मेरा ख्याल है हर स्टेट में यही होगा, ऐसा ही है, फिक्स कोर्ट फी है। ये तो केवल ये स्वत्व घोषणा की डिक्री के लिए, लेकिन जब आप उसमें कोई आनुषांगिक सहायता कॉन्सिक्वेंसर रिलीफ जब आप मांगते हैं तो उसके लिए वैल्यूएशन के आधार पर आपको एडवेलम कोर्ट फी देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि आपने दावा दायर किया और उस दावे में, क्योंकि आप जब कोई भी दावा दायर करेंगे तो उस दावे का आपको वैल्यूएशन करना बहुत आवश्यक है, उस दावे का वैल्यू करना आवश्यक है, उसी के आधार पर जुरिस्डिक्शन तय होता है दावे में, प्रॉपर्टी का दावे, दावे का ही एक्चुअली दैट इज वैल्यूएशन फॉर द सूट, जो दावे का वैल्यूएशन है वो किया जाना चाहिए, तो वो आपको आपको उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और जो आप वैल्यूएशन करेंगे तो उसके आधार पर आपको जो कॉन्सिक कैंसर रिलीफ है चाहे इंजंक्शन की रिलीफ हो उसमें आपको कोर्ट फी देना पड़ेगा। ऐसा देखने को मिला है कि लोग क्या है कि इंजंक्शन के लिए कम कोर्ट कम आप सूट का वैल्यूएशन करते हैं और स्वत्व घोषणा के लिए ज्यादा वैल्यूएशन कर सूट का वैल्यूएशन कर देते हैं, ऐसा इस आधार पर जो इंजंक्शन की है तो उसके लिए एक फिक्स कोर्ट फी मान लीजिए फाइल कर दिया उन्होंने ज्यादा उसका वैल्यूएशन करके उसमें फिक्स कोर्ट फी 1000 रुपये लगा दिया, और इंजंक्शन के लिए या कब्जे की सहायता के लिए या जो कुछ भी है तो उसके लिए वैल्यूएशन कम किया, लेकिन अब वो कई हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आ गया कि नहीं ऐसा नहीं, इंजंक्शन के लिए और जो कॉन्सिक्वेंसल रिलीफ है उसके दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूएशन नहीं हो सकता, वैल्यूएशन एक ही, आप उसी उसी एक ही वैल्यूएशन पर आपको कोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, तो इसलिए वो आपको इस तरह से ऐसा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें संभल करके करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप केवल हायर कोर्ट के जो डिसीजन बनाने के लिए उसका वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत करते हैं तो फिर आपको कोर्ट फी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका इसका ये ध्यान रखा जाना चाहिए। तो और इसमें कोई हमको तो कोई और इश्यू दिखाई देते नहीं है। अब उसमें है कि कौन कौन सी रिलीफ कौन सी दी जा सकती है कौन सी नहीं दी जा सकती है, तो ये तो उसमें है, और जैसा मैंने ये बताया कि ये डिस्क्रेशनरी रिलीफ है, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि अब करीब करीब इस्टेब्लिश हो गया है ये बात, ये बिल्कुल पूरी तरह से स्थापित हो गई है कि जो सूट फाइल करेगा, जो व्यक्ति सूट फाइल करेगा उसे ही अपना दावा प्रमाणित करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक में आए 2015 में अभी केस लाया है उसमें। तो अब ये सब चलिए ये तो अब है ही, जैसा जैसा है कानून है, जैसे कानून की व्याख्या की जाती है ठीक है, उसमें ये भी है कि यदि आप अपना दावा सिद्ध नहीं कर सके, आप भले ही प्रतिवादी अपना जो डिफेंस है वो सिद्ध ना कर सका तब भी आपका सूट फेल हो जाएगा, तो इसलिए इसमें बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। आप यदि सूट आपने फाइल किया, आपने भी दावा दायर किया, तो जो प्रॉपर्टी है आपकी तो उसकी टाइटल आपके पास है, आप उसका स्वत्व धारण करते हैं, ये आपको फुल प्रूफ एविडेंस देना पड़ेगा, ये देना आवश्यक है, यदि आपने इसमें चूक किया तो आपका दावा खारिज हो सकता है, ये देना पड़ेगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब ये किसी लैंड का डिस्प्यूट, ये किसी संपत्ति का डिस्प्यूट आता है, ये आता है आमतौर पर उसी के ये सब सारे मामले आते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये संपत्ति हमको किस प्रकार से प्राप्त हुई। अब जैसे मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ, अपना एक उदाहरण देता हूँ, हमको अपने पिता से संपत्ति प्राप्त हुई ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये संपत्ति हमारे पिता की थी और पिता ने हमसे हमको प्राप्त की, मैं उनका लड़का था, हमको संपत्ति प्राप्त हुई ठीक है, उसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन यदि कोई कहता है कि आपके पिता को संपत्ति प्राप्त नहीं हुई,
तो हमको ये प्रमाणित करना, ऐसा कोई डिनाई करता है एविडेंस, ऐसा किसी कह देने से कुछ नहीं होता, तो हमको बताना पड़ेगा कि नहीं हमारे पिताजी पट्टेदार थे जमीन के, वो पट्टा उसको सरकार, उनको सरकार से मिला, या उन्होंने वो जमीन खरीदी बाई रजिस्टर्ड सेल डीड खरीदी, वो उनके नाम ट्रांसफर हुई, उसका म्यूटेशन हुआ, उनके पास आई, उसके बाद फिर हमारे पास आई। तो इस तरह से एक आपको जो जिस प्रॉपर्टी के संबंध में आप ये दावा दायर कर रहे हैं, तो उसके टाइटल की हिस्ट्री आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा। इसमें चूक मत कीजिए कभी, इसमें यदि चूक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये जहां से डिस्प्यूट शुरू हो उस पॉइंट से लेकर के आज तक के सारे जो हैं, सारे डिस्प्यूट्स हैं, सारा जो क्लाउड है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। यदि आपको किसी को, आप यदि कोई कहता है कि नहीं आपकी आपकी, जैसे इसमें एक मैं बात और कहता हूँ, ज्यादा समय तो लग रहा है लेकिन मैं दो मिनट के लिए, एक आप यदि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोर्ट देखेंगे या हिंदुस्तान का कोई लैंड रेवेन्यू कोर्ट देखेंगे, तो उसमें एक बात है कि ये सारी जो जमीन है तो ये गवर्नमेंट की है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है वो फिर पट्टा देती है लोगों, ठीक है, सारी जमीन सरकार की है, और सरकार जो है तो वो जमीन का पट्टा देती है लोगों को एंजॉय करने के लिए। अब वो जो पट्टा है तो वो ट्रांसफरेबल है, और सरकार भी उसको फिर नहीं ले सकती है, ले सकती है लेकिन उसके लिए फिर उसको कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ये करना पड़ेगा। तो अब यदि कोई ये कहता है कि नहीं किसी व्यक्ति को उस जमीन का पट्टा मिला ही नहीं, तो फिर आपको एविडेंस देनी पड़ेगी कि भाई इस जमीन का पट्टा सरकार के द्वारा मिला गया। अब मान लीजिए यहाँ सीधी में है, यदि ऐसा है तो आप पहला जो बंदोबस्त है उससे आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारे जो पूर्वज उनको ये पट्टा मिला। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है तो जो 58-59 में फिर से नई बंदोबस्त खतौनी, ये अधिकार ये हुआ खतौनी हुई, तो उस खतौनी जो ये बनाई गई 58-59 खतौनी बनाई, तो उसमें हम बता सकते हैं कि भाई इसमें अधिकार अभिलेख इसको माना गया है, तो इसमें भी सरकार ने माना है कि हम यह जमीन हमारी है, या उसके बाद फिर नया जो अभी बंदोबस्त हुआ है उसमें भी यह माना गया है कि जमीन हमारी है। यदि सरकार मान रही है कि हम इस जमीन के पट्टेदार हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि जमीन हमारी है। यदि ये कोई कहता है कि नहीं जमीन ये हमारी नहीं है, तो ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, उसको ये बताना पड़ेगा भाई ये आपके नाम जो पट्टा हुआ है ये गलत हुआ है, आपके नाम जो जमीन का म्यूटेशन हुआ या जो कुछ भी हुआ जिस तरह से आई ये गलत हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं, और जैसा मैंने कहा कि कानून तो बड़ा बड़ा वास्ट है, और उसमें कोई यदि ये दावा करे कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बहुत ही मामूली सा वकील हूँ, कुछ उसमें बात ही नहीं है, तो ऐसा दावा सही नहीं है, और बाकी तो ठीक है।